वेलकम विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे विषय संस्कृत के ब्लूप्रिंट के बारे में। कौन से चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वो संस्कृत में क्या क्या पूछा जाता है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। साथियों, यदि आपको संस्कृत विषय में अच्छे अंक प्राप्त करना है तो आपको जो बोर्ड पर जानकारी लिखी है ये आपको प्राप्त होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से विषय से, कौन सी जगह से कितने नंबर का प्रश्न आता है, ताकि आप उस आधार पर तैयारी कर सके। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी के बारे में बताया था, जो हिंदी विषय है कौन से टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न आता है ये हमने आपको बताया था। तो आज हम जो बात करेंगे वो संस्कृत विषय को लेकर बात करेंगे, जिसमें कौन से टॉपिक से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। एक अच्छे विद्यार्थी को हमेशा एक ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरी रूपरेखा बनाकर याद करना चाहिए, अच्छे से याद करना चाहिए कि किस विषय को, किस टॉपिक को उसको अच्छे से याद करना है, कितने नंबर का प्रश्न वहाँ से पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हम संस्कृत के बारे में बात करेंगे कि कौन से पाठ से, कौन सी ग्रामर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और यदि आप जितने भी दोस्तों इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, यदि आपने हिंदी के ब्लूप्रिंट को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें, या इस लिंक को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं उसको, जो ऊपर आई बटन आ रहा है इसको क्लिक करें और आप देख लें, और इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस ब्लूप्रिंट को हम देख लेते हैं। जो आपका पेपर आता है 100 नंबर में आता है, उसी के आधार पर हमने ये जो ब्लूप्रिंट है आपकी, उसी को हम आज आपको बताएंगे कि कौन से चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे हम, देखिए आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता देता हूँ, क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए यह ब्लूप्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से 10th क्लास बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, उसी आधार पर 9th क्लास का भी रहता है। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है 9th क्लास और 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम 9th क्लास, क्लास 9th 10th सिलेबस संस्कृत। ठीक है, हिंदी का हम डाल चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज संस्कृत के बारे में बात करेंगे हम, ब्लूप्रिंट, ठीक है, कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है अच्छे से देखना। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, धातु रूपानी। दोस्तों धातु रूपानी से जो आपका प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। कितने नंबर के, 4 नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं धातु रूपानी। जैसे पट धातु, हस धातु, गम धातु, इनके आपको रूप चलाना रहता है। जैसे पटती पटता पटंती, पटसी पटता पटता, पटामी पटाओ पटाम। ठीक है, ये ट्रिक है, ट्रिक मैंने बनाकर आपको प्लेलिस्ट में डाल दी है, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो अवश्य जाकर उसको देखें, किस तरह से ट्रिक है उसकी, किस तरह से हम धातु का प्रयोग कर सकते हैं, सब कुछ हमने डाला हुआ है चैनल के प्लेलिस्ट में, आप जाकर अवश्य देखें उससे। ठीक है, ये ट्रिक इतनी उसकी। तो ये 4 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, धातु रूपानी 4 नंबर में पूछी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। जिसके बाद में आती है संधि। विद्यार्थियों संधि पूछी जाती है 4 नंबर में, तो संधि, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो 4 तीनों संधियां आपको पता होना चाहिए, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो संधि हम पढ़ रहे हैं, यदि आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और संधि के चैप्टर को आप क्लियर कर सकते हैं। जिसके बाद में बढ़ते हैं हम समास। समास जो पूछा जाता है 3 नंबर में पूछा जाता है। समास को हम शुरू करेंगे, संस्कृत के समास पढ़ेंगे, संस्कृत के और हिंदी के समास अलग होते हैं, तो संस्कृत के समास हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, संस्कृत के जो समास होते हैं वो 3 नंबर में पूछे जाते हैं, 3 प्रश्न आपके इसमें आएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एक एक पता होना चाहिए, एक संदेश कितना प्रश्न आएंगे और समास के कितने प्रश्न आएंगे, इसीलिए हम आपके लिए ये लेकर आए हैं, जिससे आपको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से, कौन से ग्रामर से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, तब जाकर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला, अगला है हमारा अवयव, अवयव उपसर्ग।
ठीक है, आपकी जो संस्कृत की बुक है उसमें पीछे दिए हुए हैं अवयव और उपसर्ग दिए हुए हैं, तो उसमें से आपके 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 2 उपसर्ग से 2 अवयव से। ठीक है, ये आपके 4 नंबर के ये प्रश्न यहां से कंप्लीट होते हैं। जिसके बाद में प्रत्यय, प्रत्यय से आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। दोस्तों आपको बता देते हैं, प्रत्यय भी हम डाल चुके हैं, सारे प्रत्यय कत्वा कत्वतु तुमुन मतुप सारे प्रत्यय हम डाल चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगे, वहां पर जाकर आप अच्छे से इन प्रत्ययों को कंप्लीट कर लें। अब हम क्या क्या डाल चुके हैं वो आपको हम बाद में बताएंगे, लेकिन हम पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सुक्ति, सुक्ति आपकी जो पूछी जाती है 2 नंबर में पूछी जाती है, कितने नंबर की, 2 नंबर की, 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, एक एक नंबर का, एक प्रश्न एक नंबर का। ठीक है, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसके बाद में रिक्त स्थान, जो रिक्त स्थान पूछे जाते हैं वो 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर यहां से आपके कंप्लीट होंगे। जिसके बाद में दोस्तों देखिए, एक वाक्यन और एक पदेन प्रश्न, ठीक है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं एक वाक्यन प्रश्न पूछे जाएंगे 3। ठीक है, इधर देखें आप, एक वाक्यन प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे, कितने नंबर में, 6 नंबर में। ठीक है, और एक पदेन जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 4, एक एक नंबर के। इस तरह से आपके नंबर कितने हो जाते हैं, 10 नंबर यहां पर आपके हो जाते हैं, 6 4 10। 3 प्रश्न 2 2 नंबर के और 4 प्रश्न 1 1 नंबर के। ठीक है, तो इस तरह से 6 नंबर और 4 नंबर कितने हो जाएंगे आपके, 10 नंबर यहां से आपके कंप्लीट होते हैं। पूरा सिलेबस से एक भी नंबर आपका ऊपर नीचे नहीं हो सकता। जो हमने ये बनाया है ये बोर्ड का है, बोर्ड इसी के आधार पर आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, और जो विद्यार्थी इसी के आधार पर तैयारी करते हैं उनका एक भी नंबर कटने को नहीं रहता है, एक भी नंबर उनका कट नहीं सकता, क्योंकि वो इसी के आधार पर पढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम नंबर 9, शब्द रूपाणी। शब्द रूपाणी का अर्थ होता है साथियों कि जो आपके रूप चलते हैं, राम के, लता के, सीता के, फल के, साधु के, कवि के, उसी के आधार पर ये प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर के। ठीक है, 4 नंबर के पूछे जाते हैं शब्द रूपाणी से, राम रामम रामेन रामाय रामात रामस्य रामे, इस तरह से आपको याद होना चाहिए, एकवचन द्विवचन बहुवचन इनके रूप याद होना चाहिए, ये 4 नंबर का पूछा जाता है। जिसके बारे में बताएंगे हम आपको किस तरह से बाद में बात करने वाले हैं हम। जिसके बाद में देखिए गद्या गद्यम पद्यम, जो हमारा हिंदी में रहता है गद्यांश पद्यांश वही है ये गद्यांश पद्यांश, गद्यम पद्यम ये पूछा जाता है 20 नंबर का। आपने देखा होगा जो आता है आबासा, ठीक है, जिसमें से आपको 2 करना रहता है, 3ों में से आपको 2 करना रहता है, 5 नंबर का आता है, उसी में से आपको प्रश्न देता है नीचे और उसमें से आंसर आपको देना रहता है। तो पद्यम का अर्थ तो होता है जो कविता होती है, जो श्लोक होते हैं उसी में से आपको क्या करना रहता है, उत्तर छांट के लिखने रहते हैं। और जो गद्य, सॉरी ये हमारा गद्यांश है, ये हमारा पद्यांश है, ये इसमें आएंगे श्लोक, श्लोक इसमें आएगा, ठीक है, और इसमें आएगा गद्यांश, इसमें कहानी, जैसे कि एक पाठ है 10th क्लास में सरस्वती वाला, दयानंद सरस्वती वाला, ठीक है, और यश शरीरम, तो ये गद्यांश में आएगा। और पद्यांश में क्या आएगा, श्लोक वगैरह आते हैं, जो भी श्लोक रहते हैं वो पद्यांश में आते हैं, और कहानी वगैरह किसी का जीवन के बारे में बताना वो गद्य में आएगा। तो ये 20 नंबर में पूछा जाता है, 10 नंबर गद्य 10 नंबर पद्य, 3 3 प्रश्न रहते हैं आ बा सारे, लेकिन आपको कितने करने रहते हैं, या तो आ करो या बा करो या सा करो, एक आपको छोड़ना है, कोई सा भी आप छोड़ सकते हैं, जो आपको समझ में नहीं आता उसको आप छोड़ सकते हैं, गद्य और पद्य में आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, जिसके बाद में बात करेंगे हम 11वां है हमारा युग मेलनम, जोड़ी, जो आपकी जोड़ी आती है वो 4 नंबर में आपकी पूछी जाती है, कितने नंबर पूछी जाएगी जोड़ी, 4 नंबर की। अगला है 12वां, देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य, जो शुद्ध अशुद्ध आपके वाक्य हैं वो 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 4 नंबर में आपको आपकी जो
उत्तर पुस्तिका है उसमें आपको चार लिखना है, लेकिन आपके जो प्रश्न पत्र रहता है उसमें आपको छह वो देते हैं, छह या सात वो प्रश्न देते हैं, जिसमें से आपको कितने करने, चार करने रहते हैं। ये चार नंबर में रहता है आपका शुद्ध अशुद्ध वाक्य। जिसके बाद में आती है बात श्लोक के बारे में, तो श्लोक आपको जो लिखना है सुभाषतानी पाठ से ही लिखना है। चौदहवा प्रश्न जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है वो पूछा जाता है श्लोक के बारे में। श्लोक जो आपको याद होता है वही श्लोक आपको लिखना रहता है। पहले भी हम बात कर चुके हैं श्लोक के वीडियो में कि आपके प्रश्न पत्र में जो श्लोक दिए जाते हैं उन श्लोकों को आपको नहीं लिखना रहता है, जो आपको याद रहते हैं उन्हें छोड़कर वो आपको लिखना रहता है। ठीक है, इस श्लोक के बारे में बात हम कर चुके हैं। दो श्लोक आपको लिखना रहता है, चार नंबर में पूछा जाता है, एक श्लोक आपका दो नंबर का रहता है। तो यहाँ से आप चार नंबर कंप्लीट करते हैं। सुभाषतानी पाठ पाठ है चार, पेज नंबर 15 या 17 है पेज नंबर, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। सुभाषतानी पाठ से दो श्लोक पूछे जाते हैं, तो कम से कम आप 5 श्लोक अवश्य याद करें। अगला देखिए पत्र लेखना, जो जैसे कि अवकाश की, छात्रवृत्ति की, ये पत्र लिखवाया जाता है जो चार नंबर में पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। जिसके बाद में कथाक्रम, साथियों कथाक्रम पूछा जाता है 5 नंबर में। इसमें क्या रहता है, 5 वाक्य आपको दिए जाते हैं, 5 या 6 वाक्य आपको दिए जाते हैं, लेकिन जो उनका क्या है क्रम क्या रहता है, आगे पीछे रहता है, ऊपर नीचे रहता है, लेकिन आपको क्या करना रहता है, उनको सही से जमाना है कि एक नंबर पर कौन सा वाक्य आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, चौथे पे कौन सा आएगा, पांचवे पे कौन सा आएगा। इस तरह से आपको उसको सही क्रम में जमाना रहता है। यदि आप किसी भी पाठ को ना जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है या कहीं पर भी आपको आप पढ़ते हैं आपके अनुसार पढ़ते हैं, उसको उस पाठ को आपको अच्छे से समझना है, देखना है, उसी के आधार पर आपको उसको समझना है और उसी के आधार पर आपको जमाना रहता है। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा निबंध, जो निबंध पूछा जाता है 10 नंबर में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण निबंध होते हैं। दो निबंध तो आप अवश्य याद करें जो हर साल पूछे जाते हैं, उन्हें निबंधों में से आप दो निबंध को अवश्य याद करें जो 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 17वां हमारा है कारक। कारक पूछे जाते हैं 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में कारक पूछे जाते हैं और अपठित अपठित गद्यांश रहता है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। इस तरह से ये आपका ब्लूप्रिंट है। तो जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका पूरा, ताकि आपको क्या है सिलेबस याद रहे कि क्या क्या कहां से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप इसी के आधार पर याद करते रहें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो जितने भी दोस्तों ने हमारे हिंदी के सिलेबस को किस तरह से बांटा गया है उसको नहीं देखा है तो आप जरूर उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना और मैं आपको बता देता हूं कि इस जो हमारे कितने टॉपिक हैं 18 टॉपिक है, इसमें से हमने आपको क्या क्या करवा दिया है और क्या क्या करवाना है यह भी आपको हम बता देते हैं। तो इस तरह से आपके सिलेबस को बांटा गया है, इसी के आधार पर आपको पढ़ना है। यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इसी के आधार पर आपको पढ़ना चाहिए। साथियों अब हम बात कर लेते हैं हमने आपको संस्कृत में क्या क्या पढ़ा दिया है उसी के बारे में हम बात कर लेते हैं, और जो हमारे टॉपिक छूट रहे हैं वो आपके लिए हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम शुरू से फिर वापिस। धातुरूपानी हमने अभी नहीं करवाया, संधि हमारी चल रही है क्योंकि हिंदी की और संस्कृत की संधि जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल समान होती है। तो आप हिंदी की संधि को अवश्य देखें चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, संधि हमारी हो जाती है, समास हम करवाएंगे आपको, संस्कृत के अलग होते हैं हिंदी के अलग होते हैं। जिसके बाद में अवयव, अवयव का उपसर्ग का वीडियो हम डाल चुके हैं वो भी आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, जिसके बाद में प्रत्यय, प्रत्यय का वीडियो हम डाल चुके हैं वो भी आपको वहीं मिलेगा। जो जो हम बता रहे हैं वो हम डाल चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट को खोलना, वहां पर लिखा है क्रेडिट प्लेलिस्ट, उसमें जाकर आप जो भी आपको पढ़ना है बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी है अच्छे से, जो भी आपको पढ़ना है उसमें जाहिर उसको खोलकर आप आसानी से पढ़ें। जिसके बाद में सुक्तियां, सुक्तियां डाल चुके हैं हम, रिक्त स्थान बता देंगे, एक वाक्य एक पदेन उत्तर ये भी हम डाल चुके हैं, कारक, कारक हम डाल चुके हैं, ये अभी नहीं डाला है,
शब्द रूपानी नहीं डाला है, ये भी नहीं डाला है, ये भी नहीं डाला है, जोड़ी हम डाल चुके हैं, ठीक है, जोड़ी डाल चुके हैं, शुद्ध अशुद्ध वाक्य डाल चुके हैं, बहुत सारे डाल दिए, मोस्ट मोस्ट डाल दिए, आपको जैसे अच्छे लगे उस तरह से आप नोट्स बना ले या पढ़ लेना। जिसके बाद में श्लोक भी डाल चुके हैं, पत्र लेखन हम नहीं डाला है, कथा विराम डाल चुके हैं, निबंध हम बहुत सारे डाल चुके हैं, तो ये हमने डाल दिया है। और बाकी जो बच रहा है वो भी हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे और उसको भी हम डाल देंगे। तो ये था आपका संस्कृत का ब्लूप्रिंट, किस तरह से आपको तैयारी करना है, इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे और इसी के आधार पर हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों को अवश्य शेयर करें जो 10th क्लास स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयारी करें और अच्छे नंबर लेकर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।